जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे भाई। तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का आज है मेरा 35वां दिन। और देखो, मैं रात को वापस वही जगह पे कैंप किया था जहाँ पिछले रात को किया था। और अभी अपन क्या है ना कि सब समेटेंगे, लेकिन रात को ऐसा हुआ कि इतनी गर्मी थी कि मैं कैंप लगाया और वापस कैंप को खोल दिया, बस ऐसे ही बिछाकर मैं सोया। बहुत गर्मी थी यार, इतना गर्मी था कि मत पूछो, पसीना से हालत खराब था। तो भाई अभी अपन चल रहे हैं नहाने। नहाने के बाद यहाँ पे इस क्षेत्र में जो और सब मंदिर हैं, अन्य 5-6 मंदिर जो हैं, उनके दर्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ से कोशिश करेंगे कि आज निकलें रामेश्वरम के लिए, क्योंकि रामेश्वरम भी यहाँ से कम 800 किलोमीटर के करीब होगा। एग्जैक्ट नहीं, अभी गूगल नहीं किया, मैप पे मैं देखा नहीं, देखता हूँ तो बताता हूँ। और अभी चल रहे नहाने, नहा के बाद उसके बाद अपना आगे का जो प्लान है वो मैंने अपना जल्दी बनाएंगे। जल्दी में नहाया और मेरा इंतजार कर रहा था शिवू वॉशरूम के बाहर, क्योंकि मैं इसी के गाड़ी के साथ जाने वाला हूँ और ये बाहर के जो आउटर मंदिर है उनके दर्शन के लिए। तो शिवू मेरा वेट कर रहा था यार, बाकी पैसेंजरों को बैठा कर। भाई तूने तो कमाल कर दिया यार, मेरा दिल जीत लिया तूने यार। चलो भाई अभी बाल बाल ठीक करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। बोल दो उसको। वहाँ का टेम्पू का व्यवस्था ही कुछ अलग होता है और अपन टेम्पू पे बैठ गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। और तो के जितने भी मंदिर है वो सब एक ही रोड पे है, तो उधर से दर्शन करके अपन निकल जाएंगे। मैं पहुंच गया हूँ अभी सांची गणेश मंदिर, और ऐसा कहा जाता है कि आप जब भी मल्लिकार्जुन आए और वहां दर्शन करने के बाद आप साक्षी गणेश का दर्शन ना करें तो आपका जो दर्शन है अधूरा रह जाता है। तो चलो अभी हम लोग साक्षी गणेश का दर्शन करते हैं, और देखो अपन इसी टेम्पो से आए भाई। ये मेन मंदिर की जाने पर पहली बार ये इधर जाना। ओके okay। ये साक्षी गणपति बोलता साक्षी है तो मेन मंदिर दर्शन कर को इधर आते, कोई दर्शन करे तो मेन ही है साक्षी अच्छा, गणपति। इसके बिना दर्शन अधूरा रहता। हाँ मेन यही चीज। ओके ओके, मैं आ गया हूँ मंदिर के ये में। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ भी गर्भगृह में फोटो लेना मना है। मैंने रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने कहा कि आप बाहर से जाके वीडियो कैप्चर कर सकते हो, लेकिन सामने से नहीं लेना है। तो मैं कोशिश किया हूँ और जो कैप्चर हो पाए हो पाए। तो अब अपन चल रहे हैं अपने व्हीकल की तरफ, और यहाँ के बाद फिर निकलते हैं अपनी मंजिल आगे की तरफ। पीछे वाली जो गाड़ी है, अभी हम लोग उससे आए थे, वो एक्चुअली ब्रेक डाउन हो गई। तो शिवू के जो भाई है वो इस वाली गाड़ी को लेकर आए हैं, और अब अपन इसमें सवार होके और इससे निकल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ अटकेश्वर महादेव, और अभी चलते हैं अंदर और प्रभु के करते हैं दर्शन। ये है ललिता माता का मंदिर, और अभी अपन चल रहे हैं अंदर दर्शन करने को। यहाँ पे बहुत से मंदिर में वीडियो बनाना अलाउ ही नहीं है। भाई दर्शन तो हो गए, लेकिन यहाँ ललिता माता मंदिर में पूर्ण रूप से तस्वीरें लेना और वीडियो बनाना प्रतिबंध है। मतलब अधिकतर यहाँ पे मंदिर में वही हाल है। और जो ऐसा यहाँ के लोगों को मानना है कि आप तस्वीरें निकालेंगे तो उस मंदिर का जो पावर है, ताकत है, वो कम हो जाता है, ऐसा यहाँ के पंडित जी लोग कहते हैं। तो अपन पहुंच गए हैं पंचधारा के पास, और अभी अपनी गाड़ी जो है इधर तो खड़ी हो गई है, और अभी अपन जाएंगे इस साइड में।
पहुंच गए हूँ पंचधारा, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है, पत्थर ही पत्थर, और पत्थर के बीच में यहाँ पे जल का प्रवाह, और वो भी मीठा जल। तो चलो पहले यहाँ का जो मीठा जल है उसको ये करते हैं, ग्रहण करते हैं पंचधारा का जल। देखो मैंने बोतल में भर लिया है, और अब यहाँ से चलते हैं अपनी घारी की ओर। मैं पहुंच गया हूं सिखेश्वर, और आप देखें यहां पे मान्यता ऐसा है कि यहाँ पे एक नंदी जी हैं, और नंदी जी के सींग के बीच से आपको मंदिर का शिखर देखना है। और यहाँ का मान्यता जितने भी लोग आते हैं सब इस पे चढ़ते हैं, और नंदी जी को वहाँ पे एक्चुअली नंदी जी जो मूवेबल है, मतलब घुमा सकते हैं आपको इधर उधर, तो आप घुमा के आपको सेंटर करना है, और सेंटर करके आपको देखना है। दर्शन हो गया सिखेश्वर का, और अब यहाँ चलते हैं मंदिर नीचे। और सब मंदिर की तरह यहाँ भी पिक्चर लेना प्रतिबंधित है। और अब हो गया यहाँ पे दर्शन, और अपना यात्रा जो है अब यहाँ से हम रामेश्वरम के लिए निकलेंगे, क्योंकि जिस वाहन से मैं यहाँ तक आया हूँ वो वापस फिर यहाँ से श्री सेलम ही जाने वाला है। ये है शिवा के पापा जी, और इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो ये दूसरी गाड़ी में आए हैं लेके हम लोगों को। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके, नाउ आई एम गोइंग होम। ओके, भाई मुझे तो 100 किलोमीटर का लगभग लिफ्ट मिल गया, और यहाँ पे कोई चुनाव का प्रचार चल रहा है अभी किसी पार्टी का, तो वो लोग मुझे लिफ्ट दिए और मैं 100 किलोमीटर तक आ गया हूँ। और ये लोग जो है आतमकुर से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही रुक गए हैं, तो बोले भैया अभी मैं रुकेगा इधर, अपना तमिल तेलुगु में बोले, तो मैं फिर निकल गया वहाँ से। तो भाई आज भी मुझे डर उतना ही लग रहा था, लास्ट जिस दिन मैं श्री सेलम जा रहा था उस दिन जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन प्रभु की माया देखो सीधा तक 100 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई। और अब यहाँ के बाद तो इधर देखते हैं 4 लेन में कुछ गाड़ियाँ, तो इधर कमर्शियल तो गाड़ियाँ चल ही रही है कुछ, इधर तो लिफ्ट मिल ही जाना चाहिए, और उम्मीद है मिल जाएगा। आतमपुर पहुँच गया हूँ, और अब यहाँ से जो रास्ता है ना आगे से राइट कटता है, और राइट वाला रास्ता से मुझे करनौल या कुरनौल ऐसे करके कुछ जगह है यार, उच्चारण मैं नहीं कर पाता सही से, वहां पे जाना है मुझे। समय बच गया है 2:30, और मैं कम से कम 1 घंटा बैठकर नीचे पीछे आराम किया, और मेरे जो सुबह के गीले कपड़े थे मैं उन सबको सुखाया, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे करनौल की तरफ। भाई गर्मी भी बहुत भयानक है यार, और मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा है कि मतलब अलग सा साउथ के लेके मतलब अजीब सा ख्याल आ गया है, समझ में नहीं आता, इससे मैं उबर नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक ऐसा होता ना अंदर मन में एक अलग सा बेचैनी डर टाइप का कुछ ऐसा हो गया है, मतलब लिफ्ट नहीं मिलना, लोग समझते नहीं है, और टाउन में तो जो टाउन एरिया वहाँ पे लोग समझ जाते हैं, या तो इंग्लिश समझते हैं या तो हिंदी समझ जाते हैं, लेकिन भाई जब वो विलेज वाले एरिया में जाता हूँ ना उस समय बहुत दिक्कत होती है यार, वो कुछ नहीं समझ में आता। हाँ मैं बात कैसे होता है जैसे वो जब कुछ बोलते हैं तो मैं गेस करता हूँ कि यार ये चीज़ ये पूछ रहा होगा, तो फिर मैं बताता हूँ उनको कुछ, तो वो भी आधा अधूरा किसी तरह की जैसे तैसे काम निकल रहा है यार। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना जल्दी रामेश्वरम को कंप्लीट करूं और यहां से फिर केदारनाथ को निकलूं यार, बहुत ज़्यादा मतलब समस्या का सामना हो रहा है यहां पे, मतलब लैंग्वेज के वजह से लूप के वजह से कोई यार वो लिफ्ट ही नहीं देता। अभी बच गया 3:30, और मैं करनौल के रोड पे हूँ,
भाई मुझे लिफ्ट मिल गया है, दामोदर भाई ने मुझे लिफ्ट दिया है 2 किलोमीटर के लिए। तो भाई यहाँ पे लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत कम ही लोग होते हैं जो लिफ्ट देते हैं। तो 2 किलोमीटर का भी लिफ्ट मिला तो भाई मुझे कितना सुकून महसूस हो रहा होगा, आप तो समझ ही सकते होंगे। दामोदर भैया आपको थैंक यू। चार बजे लिफ्ट मिला है अपन को, और वो देखो हमारी हेलो जा रहे अपन। तो ये भैया लोग हैं आज जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया था। भैया आप लोगों को थैंक यू लिफ्ट देने के लिए, बाय। भाई अब यहाँ से करनौल 44 किलोमीटर के करीब बच गया है, अब देखते हैं कौन आ रहा है लिफ्ट देने के लिए। भोले शंकर ने तो भेजा एक आदमी से, उन्होंने मुझे लगभग जहाँ था मैं वहाँ से 57 किलोमीटर था, नहीं 57 में सॉरी 67, मतलब उन्होंने लगभग 20 किलोमीटर का लिफ्ट दिया मुझे को, और अब यहाँ से 40 और बचा है। ये जगह का नाम है जुगदू बंगल, अब देखते हैं कि कौन लिफ्ट देने के लिए आ रहा है, प्रभु ने किसे भेजा है। ओके हाय बात सुनने, मेरा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा अद्भुत कुमार। हाँ अद्भुत कुमार अभिजीत। हाँ अभिजीत भाई मुझे अभिजीत मिले हैं और इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया अभी 10 किलोमीटर का। तो अभिजीत भाई थैंक यू। ठीक है ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो। ठीक है मैं ये भैया के चैनल सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है ठीक है भाई, मैं अभी फिलहाल हूँ नंदी कोटपुर विलेज में, विलेज नहीं एक छोटा टाउनशिप टाइप का एरिया है, और मुझे अभी यहाँ से जाना है करनौल के लिए। लगभग 32 किलोमीटर ट्रेवल और करना है। देखो यदि आगे से टाउन से पहले आगे निकलता हूँ, आगे निकलने के बाद कोई गाड़ी अभी मुझे मिले हैं सीताराम भैया और इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है। आपको थैंक यू सीता भाई सीताराम भैया। प्लीज सब्सक्राइब AR50 ब्लॉग्स। थैंक यू फ्रेंड्स। समय हो गए 7:30 और मैं अभी पहुंच गया हूं करनौल के हाईवे पे, और अभी चल रहे हैं आगे, पहले इस बाईपास से निकले बाहर, उसके बाद फिर अपन देखते हैं कुछ ढाबा वगैरह मिल जाए, होटल वगैरह मिल जाए, या कुछ खाने का मिल जाए, कहीं कैंपिंग कर लेंगे। तो भाई आज का सफ़र ठीक ठाक रहा, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, आज भी लगभग 5-6 किलोमीटर करीब करीब चल ही लिया। उस उतना तो आम बात है यार, उतना कोई दिक्कत है नहीं चलना, 5-6 किलोमीटर चलना कोई बड़ी सी नहीं है, बस यात्रा शानदार रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा आज। भाई रात को बज गए अभी 8 और मैं अभी भटक रहा हूँ यार, खाने के लिए कहीं कुछ मिल नहीं रहा है और सोने का भी कहीं व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे एक ना गौशाला है, गौशाला में चल के पहले बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। भाई आज तो यहाँ पे रहने का प्रबंध हो गया गौशाला में, यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने बोला कि अपना आधार कार्ड मेरे को व्हाट्सअप करो, उनको मैंने व्हाट्सअप करा और उसके बाद वो बोले अलाउ कर दिए। तो मैं अभी निकल रहा हूँ आगे, नेट पे देखा है कोई रामू होटल है, तो मैं जा रहा हूँ पहले वहाँ कुछ खाऊँ यार, भूख तो लग गई है बहुत जोर से, तो चलूँ पहले खा लूँ कुछ।